और रही बात वीडियो की एडिट करनी है तो कर दे, नहीं तो कोई बात नहीं भाई। जय माता की, जय माता की, सारे जय माता की, जय माता की, सारे बोलो जय माता की, जय माता की। सभी भक्तों को मैं जा रहा हूँ वैष्णो देवी, पैदल चढ़ाई कर रहा हूँ मेरा कार्ड, मैं पैदल जा रहा हूँ। सभी भक्तों को जय माता की, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। जय माता की भक्तों, ये रास्ता नीचे से आ रहा है, रास्ता कवारी के लिए जा रहा है। मैं कवारी ना जाकर सीधा यहाँ से माता रानी के दर्शन करने जा रहा हूँ और आती बार अतकवारी के दर्शन कर लूँगा। जय माता की, जय माता की। भक्तों, 1 किलोमीटर और भवन रह गया है और पहुँचने वाला हूँ मैं। जय माता की, बहुत अच्छा लग रहा है, सांस भी चढ़ रहा है, पैरों में दर्द भी हो रहा है, फिर भी जय माता की, जय माता की, जय माता की। फाइनली मैं दरबार पहुंच चुका हूँ और मैं सुबह 9 बजे चला था और 12:15 बजे यहाँ पहुँच चुका हूँ। तो मैंने जितने भी स्टेप चले हैं 20,000 के लगभग हो चुके हैं, तो 15 किलोमीटर का सफ़र है। तो मैं पहुँच चुका हूँ, अब मैं प्रसाद लेकर दर्शन करने जाऊँगा, फोन मेरा जमा हो जाएगा, मिलते हैं दर्शन के बाद। जय माता की सभी को। जैसे कि मैं दर्शन करके आ चुका हूँ, बहुत ही बढ़िया दर्शन अच्छे हुए, ले दर्शन हुए, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। अब मैं जा रहा हूँ भैरव मंदिर, रोपवे से हम जाएंगे। देखिए भैरव मंदिर रोपवे से जाएंगे और उसके बाद वापसी की यात्रा। मैं हूँ भैरव मंदिर के पास, जय माता की। अरे गोलू भाई, तुझे तो तेरी शादी के बाद ही लाएंगे यहाँ पे, तो पहले नहीं लाएंगे, जब तेरी शादी हो जाएगी, जब तुझे यहाँ पे लेके आएंगे हम लोग, ठीक है? उससे पहले नहीं ला सकते भाई तुझे यहाँ पे। और रही बात वीडियो की एडिट करनी है तो कर दे, नहीं तो कोई बात नहीं भाई। जय माता की भक्तों, मैंने सुबह 9 बजे से यात्रा शुरू करी थी, 12:15 बजे मैं भवन पर पहुँच चुका था, वहाँ पर दर्शन किए, फिर भैरव बाबा के दर्शन किए, 2 बजे वापसी चला, वापसी में 4:30 बजे मैं नीचे उतर चुका हूँ। ये देखिए अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल पे। जय माता की। सुन बताऊँगा कैसे कर रहा अभी। माता दी, माता दी, माता दी।